Hey guys, welcome back to Bluntly Sassy. It's Nilima. और वीडियो के टाइटल से आपने पढ़ी लिया है दैट दिस इज अ हॉल एंड अ रिव्यू वीडियो. बट बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्टेड टू शेयर सम गुड न्यूज़ विथ यू दैट माई डॉटर इज नाउ 9 months ओल्ड. उसने चलना सीख लिया है. सो आई कैन से शी इज़ पार्शली ऑन हर ओन. सो आई थॉट यू नो दिस इज द टाइम दैट आई शुड ऑल्सो मेक सम टाइम फॉर माई सेल्फ एंड स्टार्ट मेकिंग माई यूट्यूब वीडियोज अगेन. सो कमिंग ऑन टू टुडेज वीडियो, मैंने जो हॉल है इसमें सारे मैक्सी ड्रेसेस हैं, कुर्ता ड्रेसेस हैं अंडर 399 और एटलीस्ट कुछ एक दो ऊपर नीचे हैं. तो मैंने कोशिश की है, ये फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से मैंने ख़रीदे हैं. फ्लिपकार्ट से आई वॉन्टेड टू टेल यू कि मैंने पहली बार कोई भी क्लोदिंग खरीदी है, तो लेट्स सी हाउ इट इज़. सो फर्स्ट जो मैंने ख़रीदा है वो फ्लिपकार्ट से ये मैक्सी ड्रेस. ये कॉटन, प्योर कॉटन का है. बहुत अच्छा इसका प्रिंट है. इसमें नीचे की साइड में फ्रिल्स हैं जो कि पहनने पे बहुत अच्छा लग रहा था. ये बहुत ही एयरी, समरी, ब्रीजी टाइप का है और इसका मटेरियल बहुत अच्छा है. बहुत इट्स लाइक प्योर कॉटन और इस टाइप अभी जो वेदर है उसके लिए एकदम अप्रोप्रिएट है. पीछे की साइड में इसमें यह ऐसा इलास्टिक वेस्ट टाइप का है. सो इट्स स्ट्रेचेबल तो यहाँ पे फिट अच्छा आता है बस के नीचे. और कैजुअल समर्स में जो हम ड्रेसेस पहनते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है. प्राइस मैंने इधर कोट कर दिया क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है, बट प्राइस के अकॉर्डिंग लिए बहुत प्यारा ड्रेस है. जो सेकेंड मैंने ख़रीदा है वो ये वाला मैक्सी ड्रेस है गाइस. इसका प्रिंट बहुत प्यारा है, बोहो टाइप का इसका प्रिंट है. इसकी जो बैक है स्पेशली वो मुझे बहुत पसंद आई. डिटैचेबल बैक है तो आप उसको क्रिस क्रॉस की तरह भी पहन सकते हैं या सिंपली डायरेक्ट अटैच करके स्लीवलेस की तरह भी पहन सकते हैं. इसका फिटिंग बहुत अच्छा है. Although I would say कि ये फोटोज में थोड़ा शाइनी अपीयर हो रहा था, बट चूंकि ये कॉटन है थोड़ा सा डल है. बट इस प्राइस के हिसाब से ये बहुत बहुत प्रिटी ड्रेस है, पहनने पे बहुत एलिगेंट लग रहा था. और जो ये मेरे पास ड्रेस है इट वॉज सपोज टू बी अ मैक्सी ड्रेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरी ड्रेस है. सेकेंडली मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या सोच के खरीदा था. कभी क्या होता है हमारे पास बहुत अच्छे श्रम्स होते हैं, जैकेट्स होते हैं कूल से, तो हम सोचते हैं कि इसको अच्छे से एक्सरसाइज करके पहन लेंगे, तो उसके अंदर हमको एक सॉलिड प्लेन कोई ड्रेस चाहिए होता है. तो मैंने ये सोच के खरीदा था. इसमें लिखा था कि इट इज़ ऑफ कॉटन, बट ये बिल्कुल बेकार है. सिंथेटिक टाइप का इसका मटीरियल है. इसमें ये जो लेस लगी हुई है ये लेस भी नहीं है, गंदा सा गोटा टाइप का कुछ है. बहुत ही बुरा है ये और इसका लेंथ भी मैक्सी ड्रेस नहीं है. इसका कपड़ा भी बेकार है, इसकी फिटिंग बहुत वियर्ड है. तो इसको तो मैं रिटर्न करने वाली हूँ, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा. तो मैं कहना चाहूंगी कि जो भी चीजें आप सोचते हैं कि बजट फ्रेंडली है जरूरी नहीं कि अच्छी निकले हमेशा. नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट आई बॉट फ्रॉम मिंत्रा इज फर्स्ट ये मेरे पास एक मैक्सी ड्रेस है टर्कोइज ब्लू कलर का. इसका गाइस प्रिंट बहुत ही अच्छा है, विंटेजी टाइप का प्रिंट है. अगर आपको वैसे भी मालूम हो तो लिबास के जो स्टाइल होते हैं, कट्स होते हैं, प्रिंट्स होते हैं बहुत यूनिक, बहुत स्टाइलिश, बहुत ही अलग से होते हैं. मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये ब्रांड. तो इसमें साइड में ये एक ऐसा स्लिट है और दोनों साइड पे वेस्ट पे ही ऐसे होल्स टाइप के हैं, कट्स हैं, जो कि पहनने पे बहुत स्टाइलिश लग रहे थे, बहुत कूल लग रहे थे और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है. अभी मैंने इसको पहना नहीं है बट आई कैन नॉट वेट टू वेयर दिस ड्रेस. सेकेंड जो है मेरे पास में ये टॉप है और ड्रेस नहीं है, प्लेन सॉलिड फुल स्लीव ब्लैक टॉप है. और मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे मैक्सी स्कर्ट्स हैं तो उनके साथ स्टाइल करने के लिए मेरे को एक अच्छा फिटिंग वाला बॉडी सूट फिटिंग वाला एक अच्छा ब्लैक टॉप चाहिए था. बट ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है. इसकी स्लीव्स बहुत लूज है, बॉडी से बहुत लूज है. अच्छा टर्टल नेक है लेकिन टर्टल नेक भी इसका लूज है. साइज मैंने इसका स्मॉल ही ऑर्डर किया था. इन मेरा पर्पज इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा. इसका मटेरियल ऑल्दो अच्छा है तो अगर आपको कुछ एंटी फिट टाइप का ऐसा ब्लैक टॉप चाहिए यू कैन बाय दिस ड्रेस, बट मेरा पर्पज इससे सॉल्व नहीं होने वाला है तो आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस. ओके लास्ट मेरे पास में ये जो है इट वॉज सपोज टू बी अ कुर्ता बट इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो ये मेरे ऊपर तो मैक्सी ड्रेस की तरह ही आ गया. अगर ये एंकल लेंथ भी हो तो मैं इसको एज अ ड्रेस ही पहनना पसंद करती. इसमें दोनों साइड पे कोल्ड शोल्डर है और इसकी जो लेस डिटेलिंग है वो बहुत बहुत प्रिटी है. इसका कपड़ा प्योर कॉटन है, बहुत अच्छा है. ये सासाफ्रास करके एक इन हाउस ब्रांड है मिंत्रा का. इसके भी कपड़े बहुत अच्छे होते हैं लिबास की तरह. बट द ओनली डिसअपॉइंटमेंट वॉज कि ये थोड़ा सी थ्रू है तो पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं रिटर्न कर देती हूँ. बट देन अगेन पिंक कलर है, सॉलिड ड्रेस है, बहुत तरीके से स्टाइल करके पहना जा सकता है. गर्मियों में ये कलर और फैब्रिक दोनों बहुत अच्छा लगता है. सो आप बताइए मुझे नीचे कमेंट करके इसको रिटर्न करूं या रखूं. अच्छा मैंने जितने भी ये ड्रेसेस खरीदे हैं इन सब की लिंक मैंने नीचे शेयर करी है. जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू चेक आउट ऑल दिस ड्रेसेस
तो और साथ में मैंने सारे ड्रेसेस के स्क्रीनशॉट्स भी लेके रखे थे और आपके साथ शेयर किए, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि ना खरीदा तो ज़्यादा में लेकिन कोट कम कर रही है, हमने जब चेकआउट किया तो प्राइस बढ़ गए थे। तो ऑनलाइन में क्या होता है, थोड़ा ऊपर नीचे प्राइजेस बढ़ते घटते रहते हैं। सो या दिस वॉज अ मिनी हॉल, इफ़ यू गाइज लव्ड इट देन मेक श्योर कि आप मुझे कॉमेंट करके बताएँ, और कौन से फैशन वीडियोज़ मैं बनाऊँ वो भी मुझे कॉमेंट में बताएँ, एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।